हे hey, दोस्तों तो इस बार का किस्सा है माय लाइफ एट आईएमबी तो ऑब्वियसली आईएमबी uh, में हमने दो साल गुजारे थे तो अब मैं पूरी लाइफ सुनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो तो मैंने सोचा है कि आई टेल यू हाइलाइट्स ऑफ ईच टर्म ताकि हम हाई पॉइंट्स सारे कवर कर ले दो साल का कोर्स होता है एज यू नो टर्म्स होते हैं हर टर्म तीन महीने का लगभग तो टर्म वन जब स्टार्ट होता है हम घुसते हैं जून जुलाई में घुसते ही द फोकस ऑफ आर वन इज एसेंशियली द क्लब सिलेक्शन तो आई एम बैंगलोर में कई सारे क्लब्स हैं और इन क्लब्स को लेके बहुत मिसकनसेप्शन भी है लोगों को लगता है कि किसी पर्टिकुलर क्लब में तुम चले गए तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी तुम्हें बहुत एडवांटेज मिल जाएगी ड्यूरिंग आई एम बैंगलोर टेनियोर या ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स तो वो सारे बहुत सारे मिसकनसेप्शन है विच आर इंपॉर्टेंट टू क्लियर जो मेन टाइप ऑफ क्लब्स है पहले उनको कवर

जो कि क्लब नहीं है बट इट इज एसेंशियली रिलेटेड टू ऑल योर प्लेसमेंट एक्टिविटीज तो उस टाइप के क्लब्स हो गए फिर सिमिलरली तुम्हारे फिर डोमेन स्पेसिफिक क्लब्स है जैसे इज अ कंसल्टिंग क्लब इज अ फाइनानस क्लब इज अ मार्केटिंग क्लब और फिर देर आर मेनी अदर क्लब्स लाइक स्टूडेंट काउंसलिंग क्लब या सोशल वर्क या ऑनटरप्रिनोरशिप तो ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं और अब लोगों को धारणा ये रहती है घुसते ही किया जैसे एफ है या कलकॉम है इनमें घुस गए तो तुमको कंसल्ट में ऑलमोस्ट तुम्हारा ग्रांटेड है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो ये मिसकंसेप्शन इसलिए आता है क्योंकि हिस्टोरिकली वहां से बहुत सारे बच्चे कंसल्ट में गए हैं तो तुम्हारे एक एलम पूल है लेकिन गए इसलिए क्योंकि ये क्लब्स फेस्ट क्लब्स थे और अब वैसे चेंज हो गया है अब मेरे ख्याल से अ सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन जो सारे फेस्ट ऑर्गेनाइज करती है लेकिन क्योंकि ये क्लब्स फेस्ट ऑर्गेनाइज करते थे तो इसलिए पीओ थोड़ा सा तुम्हारा अच्छा डेवलप

वरना हम जैसे बच्चे शोर मचा देंगे ना अगर हमें लग रहा है कि यार ये दूसरे लोगों को एडवांटेज मिल रही है तो इतना आसान नहीं होता है तो ऐसा भी नहीं है कि तुम प्लेस कॉम में चले गए तो तुम्हारी नौकरिया लग जाएंगी आराम से सिमिलरली जो तुम्हारे डोमेन स्पेसिफिक क्लब्स है उनमें पीपल वुड थिंक यार उनमें जाने से तुम्हारी बहुत नॉलेज बढ़ जाएगी बट वो नॉलेज शेयरिंग होती है इनफैक्ट वो क्लब्स का काम ही है कि तुम नॉलेज शेयर करो तुम इंटरव्यू प्रेप्स कराओ सारे दूसरे बच्चों की इनफेस्ट में हम फिनेस स्पेसिफिक कंसल्ट स्पेसिफिक या मार्केटिंग स्पेसिफिक इवेंट्स भी करते थे तो उन क्लब्स के भी होंगे और दूसरे क्लब्स के भी ऐसी प्रोज एंड से है तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम किसी एक क्लब में गए देन यू आर शॉर्टेड इन लाइफ ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है इसके चक्कर में लोगों को बहुत प्रेशर पड़ता है सो बी अवेर ऑफ दैट वट आई वुड सजेस्ट फ्रेंकली चूज अ क्लब विच यू आर जेनुअनली इंटरेस्टेड इन कीपिंग इन माइंड की सीजी बनानी है ठीक है आई एम बैंगलोर में सी जी इज मोर इंपॉर्टेंट दैन क्लब्स क्लब तुम्हारे नहीं भी हुए तो ठीक है चलेगा बट सीजी इज मोर इंपॉर्टेंट लोग दो, दो क्लब ले लेते थे मेरे ख्याल से दो ही अलाउड होते दो ले ले लेते थे यार हम डायवर्सिफाई कर लेंगे हमारी प्यज को जाएंगे लेकिन मेक श्योर यू आर एबल टू हैंडल द वर्क लोड एंड यू आर एबल टू मेंटेन योर सी जी कलकॉम एफ आई आई और स्पेशली प्लेसकॉम में तो बहुत काम होता है फर्स्ट ईयर में तो वो उसके साथ सीजी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो वो इंपॉर्टेंट है आई वुड से चूज अ क्लब यू आर इंटरेस्टेड इन प्लस चूज अ क्लब यू कैन रिलेट टू अब मेरे साथ जैसे मैं घुसा था तो मेरे को यार मैं या तो मैं वैसे ही मैं बायस के साथ मतलब जब तुम्हारे दो साल का वर्क एक्स ज्यादा तो तुम्हारा वैसे तुम फिर से बायस हो जाता तो कलकम वाले तो मेरे को वैसे ही बहुत अतरंगी लगते थे ठीक है मेरे को पता था कि इनके साथ तो मैं रिलेट कर ही नहीं सकता मैं पहले दिन या दूसरे दिन की बात है मेरे को एक कलकॉमर कैंपस पे देखा नॉर्मल डे दे था ठीक है कोई इवेंट वीवेंट नहीं था उस बंदे ने वो वरान अख्तर की तरह टोपी पहनी हुई है मफलर पहना हुआ है नॉर्मल डे अगर मेरे सामने कोई नॉर्मल डे पे ऐसे आ जाए बंदा तो मेरी हंसी ना रुके और उसके बाद उस बंदे के साथ मुझे काम करना है तो मुझे पता था यार कलकॉम तो मेरे टाइप का क्लब है नहीं ठीक है लेकिन कुछ कुछ लोगों को पसंद है कलकॉम कलकॉम इज अ वेरी फेमस क्लब तो ऐसे क्लब चूज करो जिससे तुम रिलेट कर सको मिल जाए तो अच्छा है ना मिले इट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड ठीक है तो ये हो गया तुम्हारा स्टार्टिंग ऑफ द टर्म वन में व्हेन पीपल आर फोकस्ड ऑन क्लब सिलेक्शन और जैसे क्लब सिलेक्शन खत्म होता है कोर्सेस तो ऑब्वियसली साथ में चली रहे टर्म वन के लेकिन दूसरा फोकस फिर हो जाता है कि तुम्हारी समर इंटर्नशिप्स की इंटरव्यू सेकंड टर्म में होता है लेकिन तुम्हारी एप्लीकेशन जानी शुरू हो जाती है और उन एप्प्लीकेशन के लिए तुम्हें अपना बनाना पड़ता है तो सबका फोकस फिर शिफ्ट हो जाता है कि तुम अपना समर इंटर्नशिप का रेज्यू बनाओ और क्योंकि ये टर्म वन में ही बन रहा है तो इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन योर प्रीवियस प्रोफाइल बिफोर एंट्रिंग आई बैंगलोर तो उसी बेसिस पे लोग समराइज करते हैं वन पेजर हमारा है, सबका रिज्यूमे बनता है तो जो आई बैंगलोर से घुसने से पहले किया है उसको ही डालना होता है अब उसके लिए हम जाके फिर अपने सीनियर से फंडे भी लेते थे कि यार कि कैसे हमको अपना रेज्यूमे बनाना चाहिए अब देखो फ्रेंकली अगेन इट डिपेंड्स की तुम्हारा पहला प्रोफाइल है कैसा अब जैसे मेरा दो ढाई साल का वर्क एक्स था तो यू डोंट हैव रियली एनी स्कोप ना क्योंकि आधा पेज से तुम्हारा वर्क एक्स ही भर जाएगा बाकी आधा पौना पेज तुम्हारा इससे भर जाएगा तुम्हारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से तो इन जनरल ज्यादा स्कोप होता ही नहीं है हिलाने का कि क्या डाले नहीं डाले लेकिन फ्रेशर्स को बहुत गाइडेंस मिलती है फ्रॉम सीनियर्स की क्योंकि वो दे हैव गॉन थ्रू दैट एक्सपीरियंस ईयर बिफोर तो उनको बहुत गाइडेंस मिलती है यार कैसे कौन से पॉइंट हाईलाइट करने चाहिए कौन सी कंसल्ट कंपनी के लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कंपनी के लिए कौन सा पॉइंट इंपोर्ट

इंपॉर्टेंट होती है इन टर्म टू इज ऑल्सो बिकॉज एक्सचेंज का जो सिलेक्शन होता है ना उसके लिए तुम्हारी term one की CGPA के के पे पे होती है। है और उस तुमको मिलती अब जैसे लैसे जो अच्छे ब्रांडेड स्कूल है या जो स्कूल है जिनमें क्योंकि सब लोग एक्सचेंज प्रीडोमेंटली और घूमने घूमने कर, घूमने करने और के लिए जाते हैं तो वो colleges की आ, आफ्टर होते हैं जो या तो डिसेंट ब्रांड हो या फिर जिनकी अटेंडेंस रिक्वायरमेंट बहुत कम हो और जिसमें स्कॉलरशिप मिल जाए जैसे जर्मनी वगैरह या मेरे ख्याल से और भी है कॉलेजेस जो अच्छे शॉर्ट आफ्टर होते हैं तो जो तुम्हारी अगर रैंकिंग हायर है बिकॉज ऑफ योर सीजीपीए तो तुम तो यू वुड गेट द फर्स्ट ऑप्शन टू चूज फ्रॉम तुम्हें अलॉट हो गए जब उन कॉलेजेस की सीट्स फुल हो गई क्योंकि दे एवरी

से मिल जाती है या तो एक्सचेंज के लिए नहीं तो यू ऑल्सो गेट लोन फॉर द एक्सचेंज स्पेसिफिकली तो अगर तुमने स्टूडेंट लोन लिया है तो तुम्हारे ट्यूशन फी तो कवर्ड होगी उस लोन में लेकिन सम बैंक ऑल्सो गिव यू एडिशनल फाइव लैख और सिक्स लैख दिस एक्सचेंज खर्चा ऑल्सो

अप्रैल को हम सब अपनी इंटर्नशिप पे जाते हैं आठ हफ्ते की लगभग इंटर्नशिप होती है उसके बाद वापस घूम के टर्म फोर के लिए हम कैंपस आ जाते हैं अगेन जून जून जुलाई के पहले पहले या शायद थोड़ा सा पहले शुरू हो जाता है टर्म फोर में जब हम घुसते हैं ऑब्वियसली तुम्हारा फ्रेशर्स बैच आ चुका होता है सो नाउ वी आर सीनियर्स तो हम चौड़े होकर घूमते हैं जो पीपीओ जिनका लग जाता है वो और चौड़े होकर घूमते हैं जो कंसल्ट फोकस्ड बच्चे होते हैं उनके लिए पीपीओ वाले स्टड ऑब्वियसली माने जाते हैं तो उनकी काफी औकात होती है जो

एक्सचेंज पे जाएंगे जो बच्चे एक्सचेंज के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो टर्म फोर में आल्सो यू फोकस ऑन गेटिंग इनटू शेप क्योंकि भाई यूरोप जाना है यूरोप की लड़कियों के साथ बंदीबाजी करनी है नहीं करनी है लेकिन एटलीस्ट यू नीड टू लुक प्रेजेंटेबल तो लोग सब लोग अपनी कुछ लोग ऑब्वियसली मतलब इट डिपेंस फिटनेस पे भी काफी फोकस कर लेते हैं टर्म फोर में एक साल जो चर्बी चढ़ाई है वो सबको उतारनी है फिट होके जाना है यूरोप इफ यू हैव एनी फाइटिंग चांस विद यूरोपियन गर्ल्स मैं मैं कमिटेड था लेकिन मैं भी रोज मेरे को याद है मैं और मेरा दोस्त टर्म फोर में पूरे कैंपस ग्राउंड के चक्कर लगाते थे क्योंकि फिट तो यार हमें नहीं है, है, है इसलिए मजबूरी में नहीं कर रहे हैं ठीक है थीके? तो हम भी फिट हो गए थे थोड़ा फोर, हमने भी वजन घटा लिया था टर्म फोर तक एंड देन टू एक्सचेंज इन टर्म फाइव ऐसे अगर कोई बंदा सोच है वॉट इज द बेस्ट वे चांसेज विद गर्ल्स इट्स बेटर टू स्टे इन आई एम बैंगलोर गो टू यूरोप ठीक है यूरोप में तुम्हारे पास तुम्हारी कोई औत नहीं है तुम हजारों में एक बच्चा हो गए लेकिन जो यूरोप से क्राउड uh, तुम्हारे कैंपस में आ रहा है दैट इज स्टिल अ बेटर कैप्टव ऑडियंस टू टू गेट योअर चांसेज विथ है तो टर्म फोर uh, खत्म होता है टर्म फाइव में हम लोग तो चले जाते हैं एक्सचेंज पे और वहीं से स्टूडेंट्स uh, uh, हमारे कैंपस पे भी आ जाते हैं तो

before december yeah around december so that you can sit in those interviews of um, laterals is

ठीक है तो द ऑप्टिम टाइम टू गेट इन टू आई एम और एनी आई एम बैंगलोर और एनी आई एम इज इज विद इन टू इयर्स ऑफ वर्क एक्स सो दैट इज हाउ यू शुड मॉनिटर योर करियर तो खैर दो साल के वर्क एक्स वाले एलिजिबल होते हैं और डिसेंट कंपनी आती है यू गेट कंपनीज फ्रॉम लेट्स लेसे टेक्स स्टार्टअप आते हैं तुम्हारे फिनांस में पीज वगैरह भी आते हैं कभी कभार तुम्हारे जनरल मैनेजमेंट रोल्स भी आते हैं तो मेरे टाइम पे एक पी आई थी एंड आई वाज वेरी बुलिश ऑन दैट पी तो मैं बैठा था और मैं काफी एंड तक लास्ट राउंड तक भी गया था लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली मेरा कट गया तो उस दिन मैं जनवरली काफी दुखी था क्योंकि मेरे को काफी उम्मीदें थी उससे उस दिन हमने फिर दारू भी बहुत पी थी कह रही है तो कैंपस में चलता रहता है लेकिन हाँ लैप इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर पीपल विद वर्क वॉक विच ऑल्सो द एंड ऑफ योर टर्म फाइव और स्टार्टिंग ऑफ द टर्म

सीजीपीए अगेन आई दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैंने पहले भी अब दूसरी बता रखा है खैर तो तो कमी आए थे में. लेकिन कंसल्ट से सीजीपीए के बेसिस पे मेरी शॉर्टलिस्ट आ गई थी सो अगेन आई मीन यू कैन रेफर टू दैटियो फॉर योर फाइनल प्लेसमेंट तो ऐसे तुम्हारा टोटल इज योर फोकस फॉर आई एम बैंगलोर टू ईयर्स ऑफ यूर लाइफ होपफुल तुम्हें कुछ हेल्प मिली होगी आई नो इट इज इट इज अ वेरी ब्रीफ समरी ऑफ ऑफ टू ईयर्स वेरी फन फील्ड टू ईयर लेकिन मैं हर पर्टिकुलर इवेंट पे यूजली वीडियोज बनाता रहता हूँ और बनाता रहूंगा सो so, uh, मिलते हैं दोबारा विद मे बी वन मोर डिटेल्ड वीडियो ऑन एनी सच इवेंट